हेलो एवरीवन, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं टेक स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं ब्लूस्टेक्स एंड्रॉइड एमुलेटर की मदद से अपने फेवरेट एंड्रॉइड गेम्स पीसी पर किस तरह खेलना है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं आज के अपने वीडियो में। ब्लूस्टेक्स 4 एक एंड्रॉइड एमुलेटर है जो चलता है एंड्रॉइड 7 नोगाट पर। एंड्रॉइड गेम्स पीसी पर खेलने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हमें बड़ी स्क्रीन मिल जाती है और कीबोर्ड और माउस का कंट्रोल मिल जाता है। अब मैं आपको ब्लूस्टेक्स 4 किस तरह डाउनलोड करना है और किस तरह इंस्टॉल करना है अपनी पीसी पर उसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, मैंने ब्लूस्टेक्स 4 एंड्रॉइड एमुलेटर की डाउनलोड लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ 406 MB की एक्सी फाइल है। जब ये एमुलेटर कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाए तो आप उस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करके उसे ओपन कर ले और मैं यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होने के लिए ब्लूस्टेक्स 10 से 20 मिनट कुछ टाइम लेता है। कंप्लीट होने पर हम यहाँ पर कंप्लीट पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट टाइम बूट होने के लिए 3 से 5 मिनट तक का टाइम लेता है ब्लूस्टेक्स। ब्लूस्टेक्स 4 सैमसंग S9 से 6 गुना ज़्यादा स्पीड काम करता है। अब हमें यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर अपनी मेल आईडी देना होगा। अब मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब बस हमें नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है, जैसे कि हम हमारे फ़ोन में करते हैं गूगल प्ले स्टोर को, गूगल प्ले स्टोर में लॉगिन होने के लिए। यह हमारा ब्लूस्टेक्स 4 एंड्रॉइड एमुलेटर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ गेम्स इंस्टॉल करके प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरह दिखते हैं।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो।